हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ और सुरक्षित होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह एकदम जो है अब विद्यालय एकदम सुबह हो गया है, तो 5 बजे बस उठ के रात ही में हम जो है सब्जी कट करके, अगर हरी सब्जी है लौकी या नेनुआ की तो कट करके रख लेते हैं, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता। तो बस वही नेनुआ की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए बनानी थी, तो उसके लिए हमने लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा दिया था। फिर तड़का जल जाने के बाद हमने सबसे पहले थोड़ा सा 2 प्याज साथ भून लिया था, और फिर जो है हमने नेनुआ डाल के उसको भून लिया था। नेनुआ जो है गल के बहुत थोड़ा सा होता है, तो आधा किलो था, एकदम थोड़ा सा उनके भर का ही हुआ था। प्याज में, नेनुआ की सब्ज़ी में जो है प्याज काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इसको लोग तुरई भी बोलते हैं, और ये गलता भी है। तो बस गैस को मीडियम कर दिया था और एक तरफ ये सब्ज़ी बन रही थी, तब तक हमने जो है आटा गूंथ लिया था। आटा गूंथ लेने के बाद हमने हस्बैंड के लिए रोटियां बना ली थी, साथ में बेटी के लिए पराठे बना लिए थे, और सारे दोनों लोग चले गए थे स्कूल। फिर जो है हमको जो है गाँव से चना आया था, जब क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है तो चना की घुघनी याद अच्छी लगती है, तो बस वही फटक रहे थे तो सूख नहीं है, तो उसको परात से फटक के बीन रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कचरा था और खेत में का था, तो कचरा तो रहता ही है, तो बस उसको 2 से 3 घंटे लगे थे। फिर हो गए थे 4 बज गए थे, तो आज हम जाना था सब्ज़ी लाने के लिए, और इस समय जो है हम थोक मार्केट से जो है आलू और प्याज ला रहे हैं, साथ में टमाटर आदि, तो काफ़ी ज़्यादा भाव में अंतर पड़ रहा है लोकल मार्केट से। वहाँ से दूर तो पड़ता है, आधा घंटा लग जाता है जाने में, लेकिन फिर भी किसी ने हमसे कहा था तो हम जाके वहाँ से 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज ला देते हैं, तो मेरा 15 दिन चल जाता है। तो 15 दिन के बाद फिर जाते हैं, तो ये होता है कि हम मीडियम फैमिली वाले 1-2 रुपये, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो बचा के कुछ बचत कर ही लेते हैं। तो बस ये था, और फिर ला के हमने सब्जियों को सारी अपनी अपनी जगहों पे लगा दिया था, रख दिया था, और ये बस आलू प्याज का झंझट मेरा ख़त्म हो गया था। साथ में हमने काफ़ी आधा किलो हरी मिर्ची भी लाई थी, टमाटर भी लाया था, उन सबको भी धो के सबको रख दिया था। फिर जो है बच्चे बोले थे कि उनको कई दिनों से बोल रहे थे बेसन का लड्डू खाना था, तो इसमें गर्मी में मार्केट का चीज़ बहुत कम मंगा रहे हैं, तो घर ही पे हमने लड्डू बनाया था। तो हमने जो है 2 कटोरी लिया था बेसन, जिस भी बर्तन से आप नापें कटोरी या कप से, तो बस उसी से एक ही मेजरमेंट रखें, तो 2 कटोरी बेसन लिया था, 1 कटोरी हमने चीनी जो है पीस लिया था, और साथ में उसी कटोरी से आधा कटोरी देसी घी लिया था। घी कम हो तो आप डाल भी सकते हैं, तो सबसे पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके घी डाल के बेसन को भून लिया था। बेसन को 15 से 20 मिनट को भून लेते हैं, एकदम गैस को लो करते हैं, बराबर चलाते हुए भूनते हैं। फिर जब भून गया था तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट तक बेसन को ठंडा कर लिया था, फिर उसमें चीनी मिला के हमने जो है लड्डू को बना लिया था। पूरी आधी कटोरी की घी लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लड्डू बना था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया था, मार्केट से ज़्यादा अच्छा होता है ये सब। फिर रात में हमने बना लिया था पनीर की सब्जी, साथ में रोटी और चावल तो सब लोग खा पी लिए थे। फिर गैस हाथ पोछ के बर्तन आज सब कुछ साफ़ कर लिए थे, और ये सारे काम करने में हमको जो है रात के बच जाते हैं 11 बजे के बाद वीडियो एडिट करते हैं और तब जाके सोते हैं। तो बस ये हो रहा था, तो गैस हाथ पोछ लेने के बाद बर्तन धुल लिए थे। बर्तन धुल लेने के बाद घड़े में पानी भर देते हैं, फ्रिज में भी जो 2-1 बोतल रहती है बच्चे भर देते हैं, या फिर खुद ही भर लेते हैं, जैसा टाइम मिल जाता है वैसा काम कर लेते हैं। और इस समय घड़े का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो घड़े को अच्छे से डेली रात में ही हम धुलते हैं और फिर उसको भर लेते हैं, भर के उसको रख देते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।